अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्रॉफिट रोल्स बना रही हूँ। प्रॉफिट रोल्स या क्रीम पफ्स आप इनको कह सकते हैं। तो मिनी प्रॉफिट रोल्स मैं बनाऊँगी। ये बच्चों को बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद होते हैं और आप देखेंगे कि इनको बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत इजीली और बहुत थोड़े वक्त में आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। इसके लिए मुझे आधा कप मैदा चाहिए, ऑल पर्पस फ्लोर। इसके अलावा मैंने दो अंडे लिए हैं, मैंने आधा कप दूध लिया है और आधा कप पानी, और इसको मिक्स कर लिया है। यानी मुझे हाफ कप मिल्क और हाफ कप वाटर चाहिए और इसको मैंने मिक्स करके रखा है। 4 टेबल स्पून भर के मैंने बटर ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने शुगर ली है और 1/4 टीस्पून या एक गुड पिंच जो है मैंने सॉल्ट लिया है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक पैन में दूध शामिल कर दिया है, दूध और पानी 1 कप, और साथ ही मैं इसमें चीनी और नमक भी शामिल कर दूंगी। बटर भी ऐड कर देंगे और इसको साथ मेल्ट कर लेंगे। अब जबकि सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, बटर भी मेल्ट हो गया है, तो मैं इसमें मैदा ऐड कर दूंगी और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। फ्लेम मैंने लो ही रखा है। अब मैं इसको अच्छे से खुश कर लूँगी जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, 2-3 मिनट सब चीज़ें मिक्स होने के बाद भी इसको मैं लो फ्लेम के ऊपर मिक्स कर लूँगी। ये देखिए सिमटना शुरू हो गया है। ये 2 मिनट हो गए हैं और ये भी अच्छे से खुश्क हो गया है। इसको अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ और हम अब इसको ठंडा कर लेंगे। अब जबकि ये मिक्सचर मुकम्मल तौर पर ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसमें एक अंडा डालूँगी। और अगर हम गरम मिक्सचर में ही अंडा डालेंगे तो वो कुक होना शुरू हो जाएगा, इसलिए मिक्सचर को ठंडा कर लेना है। और इसके बाद इसको अंडे को अच्छे से मिक्स करें या बीटर से बीट कर लें। दूसरा अंडा भी मैं ऐड करूंगी और अच्छे से बीट कर लेंगे। ये एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है। इसको एक मैं पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी। तो मिक्सचर को मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और आगे से ये सिंपल थोड़ी सी जो टिप है, थोड़ी सी बड़ी हो, बहुत छोटी ना हो, वो मैंने लगा ली है। और अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी जिप लॉक बैग ले सकते हैं या कोई भी मोटा जो थैली होती है वो ले सकते हैं, और आप उसका यहाँ से कोना थोड़ा सा काट कर तो आप उसकी मदद से भी आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए अब इसको बेकिंग शीट पे पाइप कर लेते हैं। तो इस साइज का मैं प्रॉफिट रोल बना रही हूँ। तो मैंने इस ट्रे में ये सारे प्रॉफिट रोल पाइप कर लिए हैं। अब इसके एंड को स्मूथ करने के लिए मैं पानी से थोड़ा सा हाथ को गीला करके, फिंगर की टिप को गीला करके तो इसको स्मूथ कर दूंगी। ओवन को मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर प्रीहीट कर लिया है और अब हम इसको अपर वाले रैक के ऊपर 15 से 20 मिनट इसको बेक करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। तो प्रॉफिट रोल्स बेक हो गए हैं। आप देखिए कि कितने खुशनुमा नज़र आ रहे हैं, बहुत ही लाइट। और आपको मैं एक दफ़ा एक खोल के दिखाऊं तो बिल्कुल अंदर से हॉलो हैं, ये देखिए। अब इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा होने देंगे और अब इसके लिए क्रीम तैयार कर लेते हैं। प्रॉफिट रोल में फिल करने के लिए, क्रीम फिलिंग के लिए हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए, इसके अलावा हमें पिसी हुई चीनी चाहिए और हमें वेनीला एसेंस चाहिए 1 टीस्पून। तो हम क्रीम को व्हिप करना शुरू करते हैं। क्रीम को मैंने चिल कर लिया है तो क्रीम थिक होना शुरू हो गई है, आप ये देखिए। तो अब मैं इसमें वेनीला एसेंस भी ऐड कर लूँगी और साथ ही चीनी ऐड करके, और अब हम इसे मज़ीद बीट कर लेंगे जब तक कि ये अच्छे तौर पर फॉर्म हो जाए। तो क्रीम को स्टिफली बीट कर लिया है और अब मैं इसको पाइपिंग बैग में भर लूँगी। आप ये देखिए इतनी थिक होनी चाहिए क्रीम। तो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम फिल कर ली है और मैंने एक सिंपल टिप इसकी ली है, कोई भी आप टिप ले सकते हैं। और
प्रॉफिट रोल्स भी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो ये चूँकि इसके अंदर से हॉलो होते हैं, तो कहीं से भी आप इसको अगर इसके अंदर ऐसे इस नोज़ल की मदद से करेंगे तो वो आसानी से अंदर चले जाएंगे। और मैं अब इसको फिल कर लूँगी। आप ये देखिए, जो ही ये फिल हुआ है तो ये मालूम हो रहा है कि ये खुद ही से पता चलता है कि ये फिल हो गया है। और इसी तरह मैं बाकी भी करती जाऊँगी। आप ये देखिए, खुद से इसके साइज से पता चल रहा है, इजीली फिल हो रहे हैं। और अगर फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें आपके पास ऐसी नोज़ल नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ की, पॉइंटेड चीज़ की मदद से इसके अंदर थोड़ा सा सुराख करें और पाइपिंग बैग्स के अंदर क्रीम भर के, तो आप इस तरह आप उसके अंदर इंसर्ट करें, तो आप हाथ में फील करेंगे कि ये बिल्कुल भर गया है। इसी तरह फिल करती जाऊंगी मैं। आपको खोल के दिखाती हूँ एक इनमें से। ये देखिए, बिल्कुल हॉलो है, अच्छे से बेक हुआ है। इसी तरह का आपको भी बेक होना चाहिए। इसमें अच्छे से क्रीम फिल होगी। तो सारे प्रॉफिट रोल में क्रीम फिल हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से क्रीम फिल हुई है। ये देखिए, बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद हैं, और आप भी इसे ट्राई करें, आपको भी पसंद आएंगे। तो दानिया, आप ट्राई करना चाहती हैं? चलें एक पिक करें। Is it yummy? It's very good. It's very good. Thank you, Dania. Cream. Cream, yes. चलें अल्लाह हाफिज़ कहते हैं दानिया। अल्लाह हाफिज़। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फौरन मिल जाया करेगी।